मानव की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड एंड हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मार्केट में घूम रहा होता है, वो देखता है मार्केट में उसकी नज़र कहीं पड़ती है, वो कहता है ये क्या, तो उस तरफ वो देखता है तो उधर एक स्टोन होता है रेड कलर का, वो कहता है ये तो ड्रैगन ब्लड एसेंस है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है, इसकी मदद से मैं अपनी कल्टिवेशन को और ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर सकता हूँ और ये मुझे मिल गया, मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा था और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। तो फिर वो उस दुकानदार के पास जाता है, वो कहता है भाई साहब ये कितने की मिलेगी, वो कहता है ये आपको 100 रुपये की मिलेगी, 100 गोल्ड कॉइन्स की, मुझे नहीं पता इसका क्या इस्तेमाल है, मतलब दुकानदार कहता है इसका क्या इस्तेमाल है मुझे नहीं पता, फिर मैं इसे बेच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये कुछ काम की चीज़ होगी। तो वो कहता है ये तुम ज़्यादा ही बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, तुम इस टूटे हुए पत्थर के लिए तुमसे 100 गोल्ड कॉइन्स मांग रहे हो, वो कहता है तुम्हें लेना हो तो लो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, वो लड़की आप सब जानते ही हैं कौन है, और फिर वो लड़की कहती है जल्दी से 100 गोल्ड कॉइन लो और इसे दे दो। वो लड़की और कोई नहीं शायर होती है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो शायर है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और जो शॉपकीपर होता है वो उसके पैसे लेता है, वो कहता है कि ये पैसे मेरे लेते ही मैं आपको ये स्टोन दे दूंगा, और वो स्टोन ले दे देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये कमीना शॉपकीपर ये अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसने जैसे ही पैसे इसको मिले इसने मुझे फटाफट से स्टोन दे दिया, एक सेकंड भी नहीं गवाया। फिर जो शावियर होती है वो वहाँ से जान लग जाती है। जो हमारा MC होता है वो बोलता है तुमने मेरी मदद क्यों की, फिर जो लड़की शावियर होती है वो कहती है इसका कोई रीज़न नहीं है, तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, हम दोनों साथ में खेलते थे इसलिए मैं तुम्हारी मदद। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कई सालों से मैंने इस लड़की को नहीं देखा था और इस लड़की को मेरे बारे में अभी तक याद है कि मैं इसका एक दोस्त था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है हमें शावियर की बैक स्टोरी बताता है, जो शावियर होती है जब वो छोटी थी तब उसके जो डैड थे और मॉम थे शायद तक वो बाहर घूम रहे थे, उन्हें वो लड़की बाहर मिली तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपने घर में रख लिया, और ये कोई लू फैमिली की मेंबर नहीं है, जो मेरी फैमिली थी उसमें मेरे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था मेरे मॉम डैड को छोड़ के, और ये लड़की थी जो अकेला मेरा साथ देती थी और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शावियर से चिल्ला के कहता है मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला फ्यूचर में कभी ना कभी चुका दूंगा। फिर जो शावियर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए अपने मन में कहती है जो लुआओ और मैं हैं वो दोनों बचपन के एक दोस्त थे, हम दोनों बहुत ज़्यादा साथ में रहते थे और वो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी के टाइम पे वो मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, इसका सिंपल से कारण है जो मेरी मेन फैमिली को इसके बारे में पता ना चले इसलिए वो मुझसे अभी दूर रह रहे हैं, अगर लू हाउ नहीं चाहता कि मैं उसके साथ ज़्यादा रहूं तो मैं उससे अभी दूर रहूं। इसके पीछे शायद तक लू हाउ का कोई प्लान हो सकता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सुआनजिंग सेक्ट का एक पीछे का माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने मिरर के अंदर, जो उसका ब्लड एसेंस स्टोन से दूसरा मिल गया होता है जो मिरर के अंदर की जो उसकी कल्टिवेशन पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, और जो उसके पास ड्रैगन ब्लड एसेंस स्टोन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कहता है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, इस स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो मेरी पावर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब मैं 9th लेवल पर आ गया हूँ QI कंडेंस। हमारा मेन कैरेक्टर मिरर से बाहर आ जाता है, वो कहता है जो मेरे को जो टेक्निक मिली थी जो मार्शल आर्ट्स की उस फेरी ने दी थी तो उसका मैं 2nd लेवल पे पहुंच चुका होता है हमारा मेन कैरेक्टर, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन फिर भी पहुंच चुका शायद, और जो उसके पास 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी उसका भी 2nd लेवल आ चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लग जाता है, वो कहता है चलो टेस्ट करा जाए जो मेरी 2nd इनहेरिटेंस का जो मुझे मार्शल आर्ट्स मिला है उसका क्या पावर होगी, और फिर वो एक पंच एक बड़े सी मतलब माउंटेन होता है क्या रॉक बड़ा सा पत्थर तो उस पर चला देता है वो, और जैसे ही वो अटैक लगता है उस पत्थर को तो उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस जगह पे, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर होता है छोटा मोटा पत्थर नहीं होता क्योंकि मेन कैरेक्टर बड़े पत्थर को ही तोड़ रहा होता है, और उसके टुकड़े हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं तो वो अटैक उनको डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो इसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा ही है, अगर मैं अपने ड्रैगन फिस्ट को 2 बार करूँगा तब मैं इतनी ज़्यादा पावर को कर पाऊँगा सरपा, अगर मेरी इनर सेट में किसी पावरफुल बंदे से फाइट हो जाती है तो मैं अपनी इस ट्रम्प कार्ड का यूज करके उसे हरा सकता हूँ। फिर वो अपने घर की तरफ जाने लग जाता है, और वो घर पहुंचते ही कहता है हे जिम्मो देख मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ आ जाओ चलो बैठ के अपन दोनों ही साथ में खाते हैं, तो वो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है उसके सामने ऐसा कोई वो और कुछ नहीं जो हमारा जो जिम्मो होता है उसकी डेड बॉडी होती है, वो कहता है जिम्मो, और वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो जिम्मो के पास भाग के जाता है, वो कहता है जिम्मो ये तुम्हें क्या हो गया, तो वो उसकी तरफ ज्यादा सारा खाना वाना छोड़ के और वो वहाँ पे पहुंच जाता है, वो कहता है जिम्मो तुम यहाँ पे मर नहीं सकते तुम्हारे साथ ये किसने किया, वो ऐसा पूछ रहा होता है उससे, और जो जिम्मो होता है उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, वो 1-2 सांस में ही मरने वाला होता है, मेरी शायद तक मैंने पहले गलत कह दिया वो मरा होनी होता है, जो जिम्मो होता है वो मरने वाला होता है, और जो जिम्मो है वो मर चुका होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो कहता है क्या ये मर गया, वो बहुत ज्यादा अफसोस बना रहा होता है कि उसका एक अच्छा दोस्त मर चुका है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो कहता है इसको जिसने ही मारा होगा ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर जो वहाँ पे 2 बंदे आते हैं आउटर सेक्ट के जो बंदे, वो बंदे कहते हैं जो इन्फोर्समेंट हॉल है जो इनर सेक्ट का उधर के बंदों ने मारा है, और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है इसका क्राइम क्या था इसकी गलती क्या थी, वो बंदे कहते हैं हमें नहीं पता इसकी गलती क्या थी, बस हमें इतना पता है कि वो बंदे कह रहे थे कि शायद QI कंडेंसिंग पिल इसने दी नहीं इसलिए इसको मारा गया है, इस छोटे से क्राइम
लिए उसको इतनी बड़ी सजा मिली। फिर मेन कैरेक्टर पागलों की तरह हंसने लग जाता है, वो कहता है जिम्मो तुम बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, उन लोगों ने तुम्हारी पिल चोरी करने की कोशिश करी लेकिन तुमने अपनी जान दे के भी अपनी पिल चोरी नहीं होती, मुझे खुशी है कि तुम इतने ज़्यादा ईमानदार थे। और वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और फिर वो खड़ा होता है। जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ब्रदर तुम करने क्या वाले हो, मैं सिर्फ इन्फोर्समेंट हॉल की तरफ जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर है उस हॉल की तरफ जाने लग जाता है। जो आउटर डिसाइबल्स होते हैं, मतलब मैंने पहले गलत कह दिया, वो इनर डिसाइबल का वो था, वो आउटर डिसाइबल के बंदों के लिए था। और जहाँ पर जो बंदा है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त से पिल चुराई थी वो वहीं पर होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वहाँ पर दो गेट कीपर्स होते हैं, उनसे कहता है सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हो क्या तुमने शायद जिम्मो को देखा है और उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। तो वो बंदे कहते हैं हाँ हमें पता है। जो बंदा शायद जिम्मो था वो बहुत ज़्यादा डरपोक और कचरा था, उसको जो आउटर डिसाइबल के बंदे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से और बहुत ज़्यादा मज़े में मारा था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था देखने में। और वो कहता है क्या कहना चाहते हो तुम, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वहाँ के जो बंदे होते हैं उस अंदर हॉल के सारे बाहर आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, वो देखते हैं बगल में वो दोनों बंदे मरे हुए होते हैं। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ पे चल के आ रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में और लाइटनिंग कड़क रही होती है। उन बंदों में से इन्फोर्समेंट हॉल का एक बंदा कहता है हाउलू तुम क्या ये जानते नहीं हो यहाँ पे तुम ये केओस मचा रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तुम ये भूल जा रहे हो कि एक इन्फोर्समेंट हॉल है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता ही है कि इन्फोर्समेंट हॉल है लेकिन मैं कुछ यहाँ पे करना चाहता हूँ और उसके लिए तुम सब तैयार हो जाओ, जो तुम सब ने किया है उसका तुम सबको बदला लेना ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक बंदा देखा जाता है जो मतलब चाय पी रहा होता है, चाय नहीं शायद तक वाइन होगी। और वो बंदा कहता है वो बंदा और कोई नहीं वोनांग होता है, वो कहता है उस जिम्मो को मार के हाउलू से बदला लेके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, एकदम सेटिस्फाइड हूँ मैं। फिर वो चाय का एक सूप लगाता मतलब उस वाइन का एक मतलब घूंट लगाता है तो पीछे से उसके दीवार फोड़ के कोई आता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है, वो कहता है ये कौन है। वहाँ पर दो तीन जितने बंदे थे वो सारे के सारे वहाँ दीवार से टकरा जाते हैं, वो कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर हाउलू की एंट्री होती है और वो उसको बंदे को गले से पकड़ लेता है। वो बंदा कहता है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए और तुम मुझे माफ़ करके देखो, मैं तुम्हें पूरी पूरी बात बताऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए और मुझे इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ मत दो क्योंकि अब यहाँ पे तुम बचने वाले नहीं हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है वो बंदा मर चुका होता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने वुनांग को मार दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे जिम्मो मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है, अब तुम आराम कर सकते हो। फिर वहाँ पे एक दूसरे बंदे की एंट्री होती है, वो कहता है क्या बदला, तुम्हें लगता है कि तुमने बदला ले लिया, क्या तुम्हें सही में लगता है एक वुनांग जैसा आउटर डिसाइपल इन सारे बंदों को कमांड दे सकता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त को मारने की। और यहाँ पे वो अपने बारे में कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा। फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया लगता है, क्योंकि उस जगह पे अपन गए थे तो तुमने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, तुम्हारा दोस्त मर गया अब तुम भी मरने वाले हो। और पहले पास मेरे पास कोई चांस नहीं था तुम्हें मारने का लेकिन अब तुमने यहाँ पे इन्फोर्समेंट मॉल में क्योस मचा दी थी इसलिए अब तुमसे बदला तो ले रही होगा, अब मुझ पर एक रीज़न है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्यू आई कंडेंस के लेवल पे होके मेरे जैसे एक ट्रू क्यू आई के बंदे को मार सकते हो, और जो मेरा प्लान था तुम्हें मारने का वो पूरा का पूरा सक्सेस गया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक विजन आने लग जाता है, उस विजन में वो देखता है जो उसका दोस्त जिम्मो था वो उसके साथ होता और वो दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, रात में वो सो रहा होता है तो उसका दोस्त जिम्मो कहता है अरे ब्रो यार पढ़ाई करनी चाहिए हमें अभी के टाइम पे, कल हमें वहाँ पे जाना है फॉरबिडन एरिया में। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो देखी जाएगी, तो वो कहता है मैं तुम्हें वहाँ की बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को रात ही रात में इतनी सारी चीज़ें बताता है जिससे वो वहाँ पे बच जाता है, और उस स्नेक पाइथन की वजह से भी हमारा मेन कैरेक्टर जिम्मो की वजह से ही बचा होता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जो जिम्मो है उसकी वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, जो भी जितनी भी उसने मुझे नॉलेज दी उस फॉरबिडन एरिया के उसके वजह से मैं वहाँ पर ज़िंदा बच पाया, उसने मुझे जो भी बताया वो सब मेरे काम आया और मैं उस चीज़ का सबसे ज़्यादा बदला इस बंदे से लूँगा, इसने जो मेरे साथ किया और मेरे दोस्त के साथ किया उसका मैं इससे बदला लूँगा। और वो बंदा हैरान हो जाता है इसने मेरी स्वॉर्ड कैसे पकड़ ली, ये तो और ज़्यादा क्यू आई कंडेंस के लेवल पे है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर रिलीज़ करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, और वो बंदा कहता है कि कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर से आ रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बेशक मैं तुम्हें बचा नहीं पाया लेकिन मैं इससे बहुत बुरी तरीके से तुम्हारा बदला तो लूँगा ही। और वो बंदा बहुत ज़्यादा डर गया होता है, घबरा गया होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तुम इन्फोर्समेंट हॉल की एक पोजीशन होल्ड करते थे और तुमने मेरे एक दोस्त को इसलिए मारा क्योंकि तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए, और एक बंदे की लाइफ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है, अब ये बदला तभी पूरा होगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पर एक बहुत बुरा पंच लगा देता है, उस फिस्ट अटैक की मदद से जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक गिरता है, बेशक उसका लेवल हाई था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसे नॉक डाउन करने वाला होता है। और वो कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें इसका पछतावा होगा और तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और वो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन पर लात रखता है और वो कहता है अब तुम यहाँ पे मरोगे और तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। इन्फोर्समेंट हॉल मतलब वो जहाँ पे होता है वो इन्फोर्समेंट हॉल होता है, उसके बाहर बहुत सारे बंदे होते हैं, वो कहते हैं क्या ये मर रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, वो सब वहाँ पे आने लग जाते हैं। और वो बंदा कहता है नहीं मुझे मत मारो, लगता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे इससे भीख मांगनी पड़ेगी। वो कहता है अब तुम यहाँ पे बचोगे बिल्कुल भी, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो।